गाइस कैसे हो सभी। राम राम सभी को भाइयों। मैं आपके लिए बहुत एक और आज बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ गाइस, कि इंस्टा आईडी हैक हो जाती है तो उसको वापस कैसे लाए, रिकवर कैसे करें। गाइस आपको पहले आज मैं दिखाऊंगा कि ईमेल से बैकअप कैसे आ जाती है। या आपकी ईमेल ऐड होनी चाहिए, कंफर्म भी कर लें तो आपका और अच्छी बात है, तो कोई हैक जल्दी आसानी से नहीं कर सकता। गाइस कंफर्म करना ना भूलें, वैसे भी कंफर्म ज़रूर कर लें अपने नंबर और ईमेल इंस्टा पे। तो गाइस मैं अपनी आईडी खुद ही हैक करूँगा, खुद ही चेंज करके दिखाऊंगा ये कुछ, और वापस ला के भी दिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना थोड़ा सा भी। पूरी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी वीडियो है गाइस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वो बंदा क्या करेगा कि आपका जो ईमेल है तो आपका ईमेल हटा देगा और आपका फ़ोन नंबर चेंज कर देगा। तो जैसे कि मेरा ये इंस्टा अकाउंट है, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाएगा वो। उसको जाने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके जैसे आप चेंज कर देते हैं वो कर देता है। बाकी जैसे आपको कोई लिंक भेजता है गाइस कि मेरे उस पर आपके उस पर फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, इस लिंक पे क्लिक करें और आपने लॉगिन करेंगे सर, वो एकदम इंटरफेस भी उसका बहुत इंस्टाग्राम जैसे ही होता है। तो आप वहाँ पर सिंपली लॉगिन कर देते हैं। तो लॉगिन करने के बाद क्या होता है ना गाइस कि वो जो आपकी आईडी है वो हैक हो जाती है, उसके पास सारा पासवर्ड वगैरह सब कुछ चले जाता है, तो आपके उसके फ़ोन में वो ओपन हो जाती है। तो वो क्या करता है कि अपना ईमेल अपना ऐड कर लेता है वहाँ पे, और ईमेल ऐड करने के बाद अपना फ़ोन नंबर ऐड कर लेता है, वहाँ से कंफर्म कर देता है। बट उसको ये नहीं पता रहता कि आजकल इंस्टाग्राम ने बहुत नया अपडेट दिया है कि हम वापस रिकवर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका जो ईमेल, जैसे मैंने ईमेल हटा दिया अपना, अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। जैसे मैंने ईमेल हटा दिया, मैं अपना दूसरा ईमेल इसमें डालूंगा और टिक कर देता हूँ। एक सेकंड रुकिए गाइस। गाइस ये मैंने ईमेल आपके सामने जो पिछली बैक टाइम पे बनाई थी बैक वीडियो में, तो देख लेना उसको कैसे बनाते हैं। वैसे तो ये ईमेल ही बनाना दिखाया था, उसमें वीडियो देख सकते हैं, बाकी मेरी पूरा चैनल जाके देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ, तो ये टिक हो गया। अगर कंफर्मेशन कोड मांगेगा वो कंफर्म वगैरह कर लेगा, ऐसे फ़ोन नंबर चेंज करेगा तो ये आपका हो जाएगा। फिर जाके सेटिंग्स में जाएगा, आपकी सेटिंग्स में जाके यहाँ से पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। सेकंड एक सेकंड सिक्योरिटी में जाके यहाँ से पासवर्ड चेंज कर देगा वो। DBMBX में लिंक जाएगा उस वाले, उसमें वहाँ से लिंक से जाकर उसके उसमें ईमेल में चलेगा, वहाँ से जाके और नॉर्मली पासवर्ड चेंज कर देगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारी ईमेल पे, अब जो ईमेल थी हमारी टेक्निकल अर्चित वाली जो थी, उस ईमेल को अपना ओपन करेंगे हम। वैसे मैंने नोटिफिकेशन ऑफ कर रखी है तो इस वजह से कुछ नहीं आया, नहीं तो मैं इस वाले ईमेल को अपना ओपन करता हूँ। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। गाइज एक्चुअली क्या हुआ कि थोड़ा बहुत डिफरेंस कर दिया मैंने, ईमेल चेंज कर दिया। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहले मैंने जो DBMBX आपके सामने दिया था, तो अब मैंने उसको चेंज कर दिया टेक्नोलॉजिकल अर्चित में, देख सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मैंने अपने उसमें अकाउंट डाल रखा था रियल में, जो ईमेल थी वो DBMBX वाली थी, DBMBX प्रोटेक्शन वाली। उसके बाद जो हैकर ने करी है वो टेक्निकल अर्चित, मतलब ये कहने का मतलब है हैकर ने टेक्निकल अर्चित वाली कर दी। और जो हमारी ईमेल थी वो DBMBX थी, जिस पर ये वाली ईमेल आई है, ये ईमेल है, ये खोल लेते हैं, आपको पूरा बैक करके दिखाता हूँ। ये मेरी ईमेल में जाऊँगा मैं, ईमेल में जाने के बाद यहाँ से DBMBX सिलेक्टर ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ये जो मेरा इंस्टाग्राम का ईमेल चेंज आ गया, तो यहाँ पे नीचे जैसे ये सिक्योर योर अकाउंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम। ये अपना क्रोम पे ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, ये लोड होगा। तो ये अपना लोड ओपन हो गया, तो यहाँ पे सेंड और सिक्योरिटी कोड जाएगा आपके नंबर पे या फिर आपकी ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा, यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ये आ चुका है, फ़ोन के सिम की स्टोरेज फुल हो चुकी है,
मैं एक सेकंड रुकिएगा गाइस, गाइस मैंने ओटीपी भर दी है। ओटीपी भरने के बाद ये कर दिया मैंने सबमिट। सबमिट करने के बाद ये आ जाते हैं कि देखो ये टेक्निकल यूज़र नेम था, ये चेंज हो गया, मैंने चेंज करा था मतलब, तो टेक्निकल अर्चित ये आ गया और ये नंबर ये चेंज हुआ। अब यहाँ से इट्स माई करेक्ट और नॉट ये ऑप्शन आ रहा है, ये इट्स करेक्ट कर देता हूँ मैं। वैसे तो आपको नॉट सिक्योर माई अकाउंट करना है, यहाँ से जाके आप पासवर्ड चेंज कर लें, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे नाम पासवर्ड चेंज होगा, पासवर्ड चेंज होने के बाद आपका अकाउंट वापस आ जाएगा। पासवर्ड टाइप कर देता हूँ मैं, तो गाइस मैंने पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर दिया है। यहाँ पे हो गया रिकवर योर प्रोफाइल, सेव पासवर्ड, रिसीव योर प्रोफाइल आ गया, रिव्यू सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअली मेरा जो है ना ईमेल वेरिफिकेशन नहीं है, सब कुछ नहीं है, इस वजह से नहीं हो रहा। मैं इसकी सर्विस सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ भाई, आपका जो अकाउंट है बैकअप आ जाएगा। तो ऐसी वीडियोज़ गाइस मैं और लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो मेरी नई वीडियोज़ आएँगी वो आप तक पहुँच जाए, नए अपडेट्स। थैंक यू गाइस।